आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, सो द प्रॉब्लम इज दैट टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल, एट लीस्ट कितने इंडिपेंडेंट जो है हमें एलिमेंट की जो है रिक्वायरमेंट होगी वो हमें बताना है। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। सो यहां पे क्या होगा दैट वी रिक्वायर्ड एट लीस्ट मिनिमम, या फिर हम लोग लिखे एट लीस्ट 5 इंडिपेंडेंट एलिमेंट, ठीक है। दैट क्वाड्रिलेटर अगर हमें ड्रॉ करना है तो हमें चार तो साइड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। क्वाड्री का मतलब ही होता है दैट चार, तो इस तरीके से मेरे को चार साइड्स की जो है वो जरूरत हो सकती है कोई भी क्वाड्रिलेटर को अगर मैं ड्रॉ करूँ तो, ठीक है। दैट इज चार तो मेरे पास साइड होंगी, तो ये क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, चार साइड वाला क्वाड्रिलेटर होता है। बट फर्क क्या होता है दैट एंगल, अगर हमें एक कोई भी एक एंगल मिल जाए दैट इज फोर तो साइड मिल गई, ए बी सी डी मैं इसको बोल देती हूँ, तो ये चार साइड हो गई दैट इज 1, 2, 3 एंड 4। और अगर कोई भी एक मुझे एंगल मिल जाएगा तो उससे मैं इजिली इसको कंस्ट्रक्ट कर सकती हूँ, तो दैट फोर साइड होगी एंड वन एंगल हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है दैट मेरे को 3 साइड्स मिल जाए एंड 2 एंगल्स मिल जाए, और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट मिनिमम मुझे 5 इंडिपेंडेंट की ही जरूरत होगी, एटलीस्ट 5 इंडिपेंडेंट मेरे पास होने चाहिए। ओके, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।